पिछले पांच साल से हमने देखा कि हर चीज पर बगैर विश्लेषण और बगैर कुछ पढ़े जश्न जीत का जश्न मनाने की भारतीय जनता पार्टी की बुरी आदत बन गई है। आज रफेल मामले पर भाजपा के नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का पुनर्विचार याचिका में निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने जीत के जश्न का नहीं, एक व्यापक आपराधिक जांच का रास्ता खोल दिया है। और मैं सीधा बगैर किसी भूमिका के आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इस निर्णय के कंक्लूडिंग पैरा 86 की ओर। एंड आई कोट, एंड दिस इज व्हाट द जज इज सेइंग, कोट, आई एम देयरफॉर ऑफ द व्यू दैट दो अदरवाइज द पिटिशनर्स इन रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 298 ऑफ 2018 मे हैव मेड आउट ए केस having regard to the law actually laid down in Lalita Kumari and more importantly section 17A of the Prevention of Corruption Act, in a review petition the petitioners cannot succeed. However, and this is the actual finding, it is my view that the judgment sought to be reviewed would not stand in the way of the first respondent, that is the CBI, from taking action on Exhibit P1 complaint in accordance with law and subject to the first respondent CBI obtaining previous approval under Section 17A of the Prevention of Corruption Act. This is Para 86, concluding of the judgment. These are concurring judgments, there is no dissent. So the law that I understand as a lawyer with limited experience is that this is part of the entire judgment. Kyunki Supreme Court ne to saaf kaha ke Supreme Court ke haath unki samvidhanik maryadaon aur adhikaron ki wajah se bandhe ho sakte hain. पर किसी निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा की जाने वाली जांच के हाथ बंधे नहीं हैं, वो हो सकती है। और आज देश के उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड्स, हमारी जो दलील, उस पर भी मोहर लगा दी कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान के आर्टिकल 32 में सीमित अधिकार हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट राफेल मामले की जांच नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रैक्चुअल करप्शन, कॉन्ट्रैक्चुअल भ्रष्टाचार, खरीद के रेट की हेराफेरी, स्पेसिफिकेशंस की ऑल्टरेशन, क्रोनिक कैपिटलिज्म और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की उल्लंघना की जांच करने के लिए आर्टिकल 32 में उनके अधिकार क्षेत्र से यह मामला बाहर है। ये पहले दिन से हमारा स्टैंड रहा है और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से तीन बातें साफ हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान के आर्टिकल 32 में उनको बहुत सीमित अधिकार हैं, प्राइस में हेराफेरी देखने के, कॉन्ट्रैक्चुअल डिटेल्स को देखने के, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखने के और फीजिबिलिटी को देखने के। मैं आपको भेज रहा हूं, पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, जो ओरिजिनल जजमेंट है 14 दिसंबर 18 की, उसके पैरा 12, 15 और 33 में उन्होंने कहा था। और यही बात आज उन्होंने आज के निर्णय के पैरा 19, 67 और 73 में फिर दोहराया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह फिर कहा आज
कि कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी समेत पुलिस और सीबीआई के वो इस मामले की तफ्तीश कर सकती है बगैर उन पाबंदियों और सीमाओं के जिनके दायरे में सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। ये उन्होंने पैरा 73 और 86 में दोबारा कहा है। मैं फिर भी उसकी कुछ लाइन आपको पढ़कर सुना देता हूं। एंड आई कोट पैरा 73। द पुलिस ऑफिसर इज एंडाउड विद वाइड पावर्स। नथिंग दैट कॉन्स्ट्रिक्टेड और लिमिटेड दिस कोर्ट इन द इम्प्यून जजमेंट अप्लाइज टू ए पुलिस ऑफिसर हु हैज अंडरटेकन एन इन्वेस्टिगेशन इन टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। In fact, in this case, the first respondent CBI is the premier investigation agency of the country. It is equipped to undertake all forms of investigation, be it technical or otherwise. This court held, it is neither appropriate nor within the court's experience to step into what is technically feasible or not. वो खुद मानते हैं कि ये उनका उनके तजर्बे के परिधि में आता ही नहीं। नो सच लिमिटेशन अप्लाइज टू एन इन्वेस्टिगेटर ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो सीमाएं पाबंदी अदालत के ऊपर हैं वो किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर नहीं है, वो कर सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट is that it is the duty of the investigating officer to collect all material, be it technical or otherwise, and thereafter submit an appropriate report to the court concerned, be it a final report or chalan. उन्होंने साफ तौर से इसलिए दूसरी बात कही कि हमारे अधिकार क्षेत्र दायरा और सीमाएं बंधे हुए हैं, पर पुलिस सीबीआई और कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी चाहे तो वो पूरे मामले की जांच कर सकती है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक रास्ता और खोल दिया और उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर 2018 या आज का उनका निर्णय किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन या फिर सीबीआई या पुलिस की तफ्तीश में कोई अड़चन नहीं।